खबर एटा जनपद से, जहां बड़े कारोबारी संदीप गुप्ता के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग और हत्यारों को फांसी देने की मांग को लेकर एटा के आम नागरिकों ने शहीद पार्क से लेकर घंटा घर तक विरोध प्रदर्शन कर जुलूस निकाला। एटा के कारोबारी संदीप गुप्ता की 27 दिसंबर को अलीगढ़ में अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। संदीप गुप्ता के हत्यारों की गिरफ्तारी, सीबीआई जांच की मांग और हत्यारों को फांसी देने की मांग को लेकर कल व्यापार संगठनों और वैश्य एकता परिषद ने संपूर्ण एटा बंद कर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं, किन मांगों को लेकर शामिल हुए हैं? इस प्रोटेस्ट में हमारी मांगे थी, इससे पूर्व में भी हम जिला अधिकारी एटा को ज्ञापन दे चुके थे, जिसमें हमने सीबीआई जांच की मांग की थी। जो भी हत्यारे हैं उनको फांसी और परिवार के लिए सुरक्षा, और साथ साथ ये भी मैं कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, है कि अब उनके बुलडोजर कहाँ गए? वैसे तो देखने को मिलता है मीडिया में, है कि डेली उनके बुलडोजर चलते हैं कहीं ना कहीं किसी भी संपत्ति पे। जब ये इतना बड़ा हादसा हुआ, एक समाज सेवी की हत्या हुई है, तो इसमें उनका बुलडोजर क्यों नहीं चल पा रहा है? कल डीआईजी परिजनों के से मिले थे, उनका कहना ये था, मीडिया से भी वार्ता की थी, कि परिवार ने कोई भी सीबीआई की अभी तक मांग नहीं की है डीआईजी द्वारा। परिवार अपने दुख में बैठा है, वो सीबीआई की मांग करेगा, उनके समर्थक मांग कर रहे हैं, तो सीबीआई जांच करनी चाहिए सरकार को।